बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ मैं कॉफ़ी केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हम माइक्रोवेव में तैयार करेंगे। माइक्रोवेव मग कॉफ़ी केक बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें हमने 1.5 टीस्पून ली है कॉफ़ी, साथ में हमने 3 टेबलस्पून गर्म दूध ले लिया है। दूध को हमने गर्म कर लिया है। 3 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 पिंच सॉल्ट यानी कि 1 चुटकी नमक लिया है। 1 1/4 यानी कि 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा हमने बेकिंग पाउडर ले लिया है। और 1 टेबलस्पून कैस्टर शुगर, पिसी हुई चीनी। आप ब्राउन शुगर डालना चाहें, ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। और साथ में वनीला एसेंस के हम उसमें चंद ड्रॉप्स डालेंगे, और कॉफ़ी सिरप ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो चलें रेसिपी को रेडी करते हैं। माइक्रोवेव मग केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने बाउल में, जो हमने जिस मग में तैयार करना है अपना केक, उसमें कॉफ़ी डाल देनी है। साथ में ही हम इसमें गरम दूध डाल देंगे। गरम दूध डालने के बाद हमने इसको मिक्सअप करना है, ताकि जो कॉफ़ी है वो इसमें मिल्क में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बाकी के जो अपने इंग्रेडिएंट्स हैं वन बाय वन, वो भी डाल देंगे। इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल देना है, बेकिंग पाउडर डाल देंगे, वन पिंच जो हमने सॉल्ट लिया था वो डाल देंगे, साथ में हमने मैदा इसमें डाल देना है। आपने जो कॉफ़ी सॉस है, टॉपिंग कॉफ़ी की हम करते हैं, वो इसमें डाल देना है। ये आपकी चॉइस है, आप डालना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं। इससे ये होता है कि कॉफ़ी का फ्लेवर जो है वो मग केक में ज़्यादा अच्छा सा कॉफ़ी का फ्लेवर आएगा। अब ये चीज़ें हमने डाल दी हैं, साथ में हम इसमें शुगर भी डाल देंगे। और अब हमने इन सब इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो चलिए इसे इस तरह से अब हम मिक्स करेंगे। कॉफ़ी मग केक के मिक्सचर को हम अभी मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें थोड़े से ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल देंगे, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, अदरवाइज नहीं भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं है। और अब हमने इसको फिर से मिक्स करना है। हमने ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी लंप ना हो, कोई मैदे की गुठली ना हो, ताकि हमारे जो केक का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा और फ्लफी और सॉफ्ट बन जाए। तो इसलिए अभी हम इसको फर्दर मिक्स करेंगे स्मूथ करने के लिए, बैटर को बिल्कुल अच्छा से रेडी करने के लिए। मग केक का बहुत अच्छा स्मूथ सा हमने बैटर रेडी कर लिया है। ये देखें, इसको इतना हमने अच्छे मिक्स करना है तरीके से कि उसमें कोई भी लंप ना हो। और अब ये देखें, इस तरह का रनी ये थिक सा हमने बैटर बनाना है। बाकी ये कि अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि ये टोटली फ्री होता है। आप रेड बटन को प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, बेल के आइकन को प्रेस करें। तो चलिए अब हमारा कॉफ़ी मग केक का मिक्सर रेडी है, अब हमने इसको माइक्रोवेव करना है। कॉफ़ी मग केक को हमने 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया था, और ये देखें, ये बहुत अच्छा सॉफ्ट केक हमारा रेडी हो गया है, मग केक। अब हम इसके ऊपर कॉफ़ी सिरप की टॉपिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें, आपको कॉफ़ी का बिटर फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप इसमें शुगर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा बना है। बिस्मिल्लाह, अभी ये काफ़ी गर्म है, और ये देखें बिल्कुल ये सॉफ्ट उसी तरह से बना है जैसे हम बेक करें तो बनता है। इसका ये देखें टेक्सचर बिल्कुल, इसमें हम बहुत ही स्मूथ सा हमारा केक रेडी हो चुका है, कॉफ़ी मग केक। और सिर्फ इसमें 2 मिनट में हमने इसको माइक्रोवेव किया था। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।